हम आभाषिक वर्गीकरण या असमानता पर अभ्यास करेंगे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2015 में पूछा गया है। इसमें चार आकृतियां दी गई हैं। चार आकृतियां में एक आकृतियां अलग है, उसी आकृति को हमें पहचानना है और उसको उसका आंसर हमें बॉक्स में लिखना है। प्रश्न आप देखें, यह तीर बना है इसका निशान और यह पूंछ है, तीर ऊपर इसका निशान। और ये चौथे प्रश्न में, चौथे वाले में देखें, दोनों में अलग डिजाइन बनी है, यहां भी तीर बना है, यहां भी तीर बना है, इसकी दिशा ऊपर है, इसकी दिशा नीचे है, अतः यह चौथा वाला अलग है। प्रश्न नंबर दो में देखें, यह धन है और एक बिंदु है, धन है बिंदु है, धन है बिंदु है, धन एक धन की जगह ये क्रॉस है या गुड़े का निशान है, बिंदु है, जबकि सब तीनों में धन है और इसमें क्रॉस है, अतः यह चौथा वाली आकृति अलग है या असमान है। इसका उत्तर चार होगा। चलो प्रश्न नंबर तीन में देखें, एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज को एक ऐसे ऊपर नीचे अभिलंबवत और एक समांतर रेखा काट रही है, त्रिभुज है एक समांतर रेखा काट रही है, यहां देखें त्रिभुज है समांतर रेखा काट रही है। इस चौथे वाली आकृति में देखें, यह अभिलंबवत वाली रेखा भी नहीं है न समांतर है, यह क्रॉस रेखा बनाई गई है, यह रेखा दोनों एक ऐसे बनाई गई है, एक ऐसे बनाई है जो कि इससे भिन्न है, अन्य से अलग है, अतः यह इसका उत्तर चार होगा। प्रश्न चार में देखें, यह एक शून्य बना है, शून्य के चारों तरफ सर्किल बना है, सर्किल का यह टोंट जैसा बना हुआ है, सुग्गे का टोंट जैसे, यहां देखें सर्किल है, यहां भी टोंट बना है, यह सर्किल है टोंट बना है, यह सर्किल है, यह टोंट ना होकर यह सीधी रेखा बनी है, इसमें इन तीनों में कर्व है, आप देख रहे होंगे एक कर्व बना हुआ है, लेकिन इसमें एक त्रिभुज टाइप का बिल्कुल सीधी रेखा बनी हुई है, अतः यह चौथा सबसे अलग है और इसका उत्तर चार होगा। प्रश्न उत्तर पांच देखें, एक सर्किल बनी है, सर्किल में एक कुछ वक्र रेखा लगा हुआ है, यह सर्किल है वक्र रेखा, सर्किल वक्र रेखा, सर्किल वक्र रेखा, अंतर देखें, इस सर्किल में वक्र रेखा थोड़ा सा अंदर है, इसमें भी थोड़ा सा अंदर है, इसमें भी, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर है, अतः यह चौथी आकृति सबसे भिन्न है। इसका उत्तर चार होगा।